अब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी विद जय। साथियों, ये जो धान की किस्म आप देख पा रहे हैं, इसमें ये बालियां निकल रही हैं और इस अवस्था में धान में लगने वाले जो 3-4 प्रमुख रोग हैं उनका नियंत्रण हमें कर लेना चाहिए, ताकि बाली निकलने के दौरान हम दवाई स्प्रे कार्य करने से बच सकें। इसके लिए हमें 3 जो प्रमुख रोग हैं उस पर आज मैं चर्चा करूँगा, जिसमें से सबसे पहला रोग है तनाछेदक और दूसरा है भूरा माहू, जिसे BPH के नाम से जानते हैं, और तीसरा है नेक ब्लास्ट, जिसे गर्दन तोड़ और चरपा। तो ये जो 3-4 जो प्रमुख बीमारियां हैं, इनमें आज मैं विशेष रूप से भूरा माहू या BPH पर चर्चा करूंगा। भूरा माहू पर नियंत्रण के लिए वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारी दवाइयां हैं जिनसे हम भूरा माहू का नियंत्रण कर सकते हैं, जिनमें मैं कुछ 2-3 टेक्निकल, जैसे थायमेथक्सम है, पाइमेट्राजीन है, डायनाटेफुरान है, और इसमें सबसे अच्छे अभी जो टेक्निकल हमारे पास है वो है ट्राइफ्लूमेजोपायरिन। थायमेथक्सम से सभी परिचित हैं और इसका पहले काफ़ी व्यापक इस्तेमाल किसान भाई करते आए हैं। इसके अलावा डायनाटेफुरान का भी हमारे किसान भाई काफ़ी समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसे बायर जो है सिम्बोला नाम से बनाती थी इस दवा को, अभी भी मिल रहा है ये मार्केट में। और जो अगला हमारा जो टेक्निकल है पाइमेट्राजीन, जो कि अभी हमारे 2024 में काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा भूरा माहू के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली जो दवा बन चुकी है, और पाइमेट्राजीन जो है इसका जो पहले काफ़ी महंगी आती थी सिंजेंटा कंपनी, जिसे चेस ब्रांड नेम से बनाती थी, आजकल ये बहुत सारी जो दवाई कंपनियां हैं इसको बना रही हैं, जिसके कारण ये 2 से 3 गुना अभी ये कम रेट पर बाज़ार में उपलब्ध हैं। और हमने इसी टेक्निकल का इस्तेमाल हमारे इस खेतों में किया हुआ है, क्योंकि हमारे एरिया में भूरा माहू का प्रकोप जो है काफ़ी कम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो धान की किस्म है ये थोड़ी कम अवधि की है और ये थोड़ी सी अधिक अवधि की धान की किस्म है। इसमें अभी बाली निकलने की अवस्था है और ये जो है बालियां पूरी इसमें निकल चुकी हैं। ये जो धान की किस्म आप देख पा रहे हैं ये 1156 है। साथियों, ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ भूरा माहू BPH या भूरा फुदका, ये जो काफ़ी नुकसानदायक रोग है धान के खेतों में, और जो ट्राइफ्लूमेजोपायरिन जो टेक्निकल है ये थोड़ी महंगी टेक्निकल है, लगभग 1000 रुपये से लेके 1200-1300 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा इसमें बैठता है, और हमारे किसान भाई डुपॉन्ट या काटेवा कंपनी का जो पैक्सोलॉन है उससे काफ़ी ज़्यादा परिचित है, और हम भी इसका इस्तेमाल काफ़ी 5-6 सालों से करते आ रहे हैं और इसका रिज़ल्ट निसंदेह काफ़ी अच्छा रहा है। इसके अलावा जो अभी अभी पिछले साल हमने मार्केट में देखा एक नया प्रोडक्ट, जिसका ब्रांड नेम है वेस्टोरिया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो कि मेरे हाथों में है, ये जो दवा है ये WG फार्मूलेशन में है, और WG का मतलब होता है दानेदार वेटेबल ग्रैन्यूल्स, और इसमें जो आप देख पा रहे होंगे ट्राइफ्लूमेजोपायरिन ये जो है ये 20% है, और जो मैं बता रहा था डुपॉन्ट या कार्टेवा का पैक्सोलॉन उसमें ये जो कंटेंट होता है वो 10% होता है, और इसमें जो उस दवा की जो मात्रा है वो उसका डबल है 20%। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी कारगर दवा है भूरा माहू या भूरा फुदका या BPH के लिए। तो जिन किसान भाइयों के एरिया में भूरा माहू का प्रकोप अधिक होगा, या आप भूरा माहू रोग से आप पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये जो दवा है वेस्टोरिया, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि मैंने ये जो इसके पहले इसमें जो भूरा माहू के लिए ये वेस्टोरिया का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ये हमने इसमें जो चेस टेक्निकल पाइमेट्राजीन जो टेक्निकल है उसका स्प्रे किया हुआ है, क्योंकि हमारे एरिया में भूरा माहू का प्रकोप काफ़ी कम है या न के बराबर है। तो किसान भाई अपने विवेक से इन जो मैंने दवाई बताया है भूरा माहू के रोकथाम के लिए, उनमें से किसी भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और भूरा माहू के रोग से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि इसमें जो समय है, जिस अवधि में हमें इसका स्प्रे करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमें इस दवा का स्प्रे बाली निकलने के ठीक पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि बाली निकलने के बाद बाली में दूध भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और अगर उस दौरान हम दवा का स्प्रे करते हैं तो इनमें जो पराग के कण होते हैं वो झड़ सकते हैं, और जो पावर स्प्रेयर होता है उससे थोड़ी बहुत जो दूध भरने की प्रक्रिया है वो बाधित हो सकती है। तो इसलिए किसान भाई जो छिड़काव का समय है उसका विशेष ध्यान रखें, और इस तरह से अपने आप जो धान का उत्पादन है उसमें आप वृद्धि
कर सकते हैं। धन्यवाद।